हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए कि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं संतरे खा रही थी और संतरे खाते खाते मुझे ध्यान आया कि इनके छिलकों को फेंकने से अच्छा है मैं इनको सुखा लूँ और इसका एक पाउडर बना लूँ, क्योंकि संतरे के छिलकों के पाउडर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ चीज़ें। और संतरे के छिलकों का पाउडर बनाना कैसे है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मुझे आपके लिए ब्यूटी टिप्स शेयर करना बहुत पसंद है, विशेष रूप से नेचुरल उपाय जो आप आसानी से घर पर बना सकती हैं बिना किसी झंझट के। इसलिए मैं आपके लिए टिप्स हमेशा लेके आती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। इसलिए आज संतरे के छिलके का पाउडर घर पर कैसे बनाते हैं और सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए सारी चीज़ें बताऊँगी। इसके अलावा संतरे का जो फेस मास्क होता है वो एक प्रकार का नेचुरल फ्रेश फेस मास्क है। संतरे के पाउडर से आप कई तरह के स्किन प्रॉब्लम से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, जैसे कि ये ऑयली स्किन के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, स्पॉट एक्ने के लिए, स्किन टोन को लाइट करने के लिए, स्किन स्मूथ बनाने के लिए, स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों में ये बेनिफिट्स होता है। तो दोस्तों, संतरे के छिलकों का पाउडर बनाने के लिए आप सबसे पहले संतरे के छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए किसी साफ़ सूखे बर्तन में, उसे या किसी साफ़ कपड़े पर रख कर धूप में डाल दीजिए। ठंड के मौसम में एक हफ्ता पूरा लगेगा इसे सूखने में, क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है। गर्मी के मौसम में ये 3-4 दिन में सूख के तैयार हो जाता है। तो ठंडी का मौसम था तो मुझे पूरा एक हफ्ता लगा इसका पाउडर बनाने में, बेसिकली सुखाने में एक हफ्ते का टाइम लगा। तो जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसे एक सूखे मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और एक फ़ाइन पेस्ट, एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, तैयार हो चुका है हमारा संतरे के छिलकों का पाउडर। आप चाहे तो इसे छन्नी से छान के महीन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे दरदरा ही रखूँगी और अब हम इस पाउडर की मदद से फेस पैक बनाएंगे। काफ़ी सारे तरीक़ों का फेस पैक बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी कि ऑयली स्किन वालों को कैसा फेस मास्क लगाना चाहिए और ड्राई स्किन वालों को कैसा फेस मास्क लगाना चाहिए। इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन वालों को कैसा फेस मास्क लगाना चाहिए संतरे के पाउडर के प्रयोग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जिनकी त्वचा ऑयली होती है उनको एक चम्मच ऑरेंज का पाउडर लेके उसमें पानी मिक्स करके अपने चेहरे पे 2 मिनट तक मसाज करनी, फिर 5 मिनट तक छोड़ना है, देन उसको वॉश कर लेना है। उसके बाद दूसरा है ऑरेंज पाउडर और दही का मिश्रण आपको बनाना है और 10 से 15 मिनट तक इसे फेस पे अप्लाई करना है और फिर पानी से धो लेना है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट ऑयली स्किन वालों के लिए फेस मास्क ये है कि आप ऑरेंज के पाउडर में एलोवेरा जेल डालिए और 10 मिनट तक इसे मसाज करिए, देन वॉश आउट कर लीजिए। ड्राई स्किन वालों के लिए फेस मास्क मैं अब बताने जा रही हूँ। आपको ऑरेंज का पाउडर लेना है, उसमें शहद मिक्स करना है और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करना है। उसके बाद दूसरा रेमेडी है ऑरेंज का पाउडर लेना है, उसमें दूध की मलाई डालनी है और उसे 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर छोड़ना है लगा के, फिर पानी से धो लेना है। कमाल का इफेक्ट नजर आएगा और आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। स्टिव स्किन वालों के लिए एक फेस मास्क है जिसमें आपको ऑरेंज का पाउडर लेना है, मलाई लेना है और विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है और इस फेस मास्क को 15 मिनट तक अप्लाई करना है, देन वॉश आउट कर लेना है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो उन्हें दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है जिसमें संतरे के छिलकों का पाउडर लेना है, बेसन डालना है आपको 1 चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच डालना है और 3 बूंद नींबू के रस डालने हैं और इस फेस पैक को आपको 5 मिनट तक लगाए रखना और फिर धो लेना है। तो दोस्तों, ये थे सारे फेस पैक संतरे के छिलके से बने, यानी संतरे के छिलके के पाउडर से बने फेस पैक, जो कि आप घर पर भी बना सकते हो और हर एक स्किन टाइप वाले इसका यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो में बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए कि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।